कैसे हो आप सब वेलकम बैक टू अवर चैनल क्विक माइंड्स टूडे वी विल स्टार्ट क्लास टेंथ साइंस चैप्टर टेन अब तक तो हमने चैप्टर फोर डिस्कस किए हैं साइंस के आज हम चैप्टर टेंथ स्टार्ट करते बहुत ही इजी और बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपके लिए ठीक है तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर का नाम हमारा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लैक्शन क्लास टेंथ साइंस चैप्टर टेंथ ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर लाइट लाइट क्या लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच अनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच इट कम्स और फ्रॉम विच इट इज रिफ्लेक्टेड लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि अनेबल्स करती है हमें देखने के लिए ऑब्जेक्ट्स जा, जा, या तो उनसे लाइट आती है या उनसे लाइट रिफ्लेक्ट होती है ठीक है तो लाइट क्या हमारी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है क्लियर एग्जाम्पल द सन गेव्स आउट लाइट हम सब जानते हैं कि सन क्या हमें लाइट देते हैं देयर फोर वी कैन सी द सन नेक्स्ट आता है थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ लाइट हमारे पास दो, दो थ्योरी हैं नेचर पता करने के लिए जो कि हमें nature बताती है, light नेचर बताती हैं लाइट का कैसा नेचर देयर आर टू थ्योरीज अबाउट द नेचर ऑफ लाइट फर्स्ट वन इज वेव थ्योरी ऑफ लाइट सेकंड वन इज पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट देन वी स्टार्ट फर्स्ट थ्योरी वेव थ्योरी वेव थ्योरी क्या कहती है अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी लाइट इज कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स लाइट क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बनी होती है विच डू नॉट रिक्वायर ए मेटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी होती हैं जिन्हें प्रोपोगेशन के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती है. तो लाइट ये थ्योरी क्या बताती है हमें लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स ियल मीडियम लाइट को प्रोपोगेट करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है वेरी स्मॉल है।, है, है? है कितनी होती है बींग अबाउट फोर इंटू टेन रेज टू पावर सेवन मीटर टू एट इंटू टेन रेज टू पावर माइनस सेवन मीटर तो देख लो कितनी छोटी होती है इसकी ठीक है नेक्स्ट है स्पीड ऑफ लाइट स्पीड ऑफ लाइट कितनी लाइट की कि स्पीड हम सब जानते हैं कितनी होती है थ्री इंटू टेरेस टू एट थ्री इं टू टू पावर एट मीटर पर सेकेंड ठीक है तो ये हमारी वेव थ्योरी होती है नेक्स्ट आती है हमारी थ्योरी अकॉर्डिंग टू पार्टिकल थ्योरी दूसरी थ्योरी क्या है हमारी पार्टिकल थ्योरी लाइट कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल पार्टिकल थ्योरी कहती है कि लाइट पार्टिकल से मिलके बनी है विच ट्रैवल इन स्टेट लाइन एट वेरी हाई स्पीड जो कि स्टेट लाइन में ट्रैवल करते हैं बहुत ही हाई स्पीड पे। स्थी। बहुत से पार्टिकल से मिलके एक लाइट बनी है लाइट बहुत से पार्टिकल से मिलकर बनी है जो कि स्टेट में लाइन में बहुत हाई स्पीड से चलते हैं ट्रैवल करते हैं द एलिमेंट्री पार्टिकल डेट डिफाइन लाइट जो एलिमेंट पार्टिकल जो लाइट को डिफाइन करते हैं उनको हमने क्या नाम दिया फोटोन्स द मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट एक हमारी नेक्स्ट थ्योरी है मॉडर्न थ्योरी उसको हम क्या बोलते हैं क्वांटम थ्योरी जो कि दोनों के थ्योरी से मिलकर बनी है क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट क्या बोलती है कंबाइंस बोथ द वेव एंड पार्टिकल मॉडल ऑफ लाइट दोनों की थ्योरी को मिल मिला के एक थ्योरी बनती है क्वांटम थ्योरी मॉडर्न थ्योरी जिसका हमने नाम दिया है मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट या क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट क्लियर तो ये हमने थ्योरी पढ़ी है लाइट्स के बारे में नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक रिफ्लेक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन क्या कहता है रिफ्लेक्शन क्या होता है द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन को हम वैसे हिंदी भाषा में समझो तो क्या होता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी से लाइट टकरा के वापस आती है बैक आती है उससे टकराई सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ठीक है द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज लाइट रेज वापस बैक होके जो हमें मिलती हैं उनको हम क्या बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्लियर अब रिफ्लेक्शन कैसे होता है क्या प्रिंसिपल्स हैं इसके ठीक है वो अब हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमने कुछ लॉ बनाए हैं जिसके बेसिस पे जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट करती है ठीक है द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू टू लॉज विच आर नोन एज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है जिनके बेस पे हमारी लाइट ट्रेवल करती है उनको हमने नाम दिया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मेल टू है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट द इंसिडेंट रे द इंसिडेंट रे द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट ए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाई इन सेम प्लेन जो हमारी इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड है और जो नॉर्मल है वो तीनों ही एक प्लेन में लाई करेंगे तो ये हमारा फर्स्ट लॉ बोलता है कि जो इंसिडेंट लाइट है जो रिफ्लेक्टेड है और जो नॉर्मल है वो क्या है तीनों ही एक प्लेन में लाई करेंगे तो ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया नेक्स्ट हमारा लॉ आता है सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इसको हम क्या बोलते हैं अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मान लीजिए यहाँ पे कोई ये कैसे मिरर है यहाँ से हमने लाइट दी इसके ऊपर लाइट गिरी ये इंसिडेंट लाइट होगी ये वापस हमें रिफ्लेक्ट होके मिली है ये है रिफ्लेक्टेड लाइट ठीक है इनके बीच में ये जो एंगल बनता है incident. रे ने यहाँ पे नॉर्मल के साथ एंगल बनाया ठीक है और यहाँ पे रिफ्लेक्टेड ने बनाया जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ठीक है ये हमारा सेकंड लॉ बोलता है ऑलवेज क्या होगा एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर यह हमारा सेकेंड बताता है क्लियर नेक्स्ट आता है यह हमने शोक रखा है कैसे होता है रिफ्लेक्शन इस फिगर में आप देख सकते हैं द रिफ्लेक्टेड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आर शोन इन फिगर वेन ए बीम ऑफ लाइट फॉल इन फॉल ऑन ए मिरर ये हमने एक मिरर ले लिया है ठीक है तो इस पे फोल करते सेंड बैक द मिरर अब देखो एक मिरर लिया हमने क्लियर यहाँ पे एक इंसिडेंट लाइट फॉल कर रही है ठीक है ये वापस होकर रिफ्लेक्ट होगी तो ये कौन सी होगी रिफ्लेक्टेड लाइट ये क्या है जहां पे ये इंसिडेंट हुई है इंसिडेंट हुई है इसको क्या बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये हमने एक मिरर ले रखा है इस पे यहां पे क्या है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ये डॉटेड लिखा रखा है ये क्या है नॉर्मल लाइन हमारी तो जो ये रे यहां से ऑब्जेक्ट से आई यहां पे इंसिडेंट हुई तो यहां पे नॉर्मल के साथ इसने एक एंगल बनाया इसको हमने नाम दिया एंगल आई का और रिफ्लेक्टेड ने भी नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाया इसको नाम दिया हमने एंगल आर ठीक है अब इससे हमारे दोनों पॉइंट क्लियर हो जाएंगे तीनों ही इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल कहाँ एक प्लेन में लाइक कर रही है ठीक है नेक्स्ट आता है हमारा एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर इंसीडेंट लाइट ने जो एंगल बनाया हो जो रिफ्लेक्टेड ने वो क्या है दोनों इक्वल होते हैं क्लियर रे लाइट विच फॉल ऑन मिरर ऑफ सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट लाइट जो लाइट इंसिडेंट हुई है उसको हमने नाम दिया इंसिडेंट रे का जो वापस हमें रिफ्लेक्ट होके मिली है लाइट उसको हमने दिया रिफ्लेक्टेड रे का क्लियर लाइन एट राइट एंगल ऑफ द मिरर ऑफ सरफेस जो ये राइट right एंगल पे जो लाइन है इसको डो से दिखा रखे ये हमने क्या कंसिडर की है नॉर्मल लाइन क्लियर तो ये इससे यहाँ पे क्लियर होता है कैसे लाइट मिरर से रिफ्लेक्ट होगी क्लियर नेक्स्ट आता है था हमारा एक और ट्रम जो हमने इसमें डिस्कस करनी है ऑब्जेक्ट और इमेज जो कि यह हमें पहले ये चारों चीज़ें क्लियर होनी चाहिए जिससे हमारे आगे हम कॉन्वेक्स कॉन्वकेव में जो इमेजेस और ऑब्जेक्ट इमेजेस और जो उनके फोकस वगैरह पड़ेंगे तो वो क्लियर हो, हो जाए तो फर्स्ट हमारा आता ऑब्जेक्ट और इमेज हमें ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट क्या होता है एनी थिंग विच गिव्स आउट लाइट रेज आइदर इन Either it's own or reflected by it is called object. Example है कैंडल और बल्ब Object क्या है जो भी कोई ऐसा object या तो वो हमें मतलब या तो वो हमें लाइट दे रहा है या अपने आप लाइट दे रहा है या तो रिफ्लेक्ट होके दे रहा है जो भी हमें लाइट दे रहे हो हमने उसको क्या नाम दिया है ऑब्जेक्ट जैसे कैंडल है बल्ब है वो हमें लाइट देते हमने उनको नाम दिया ठीक है तो वो क्या बन गए हमारे ऑब्जेक्ट इमेज क्या होगी इमेज इन्हें ऑप्टिकल अपीरेंस इमेज क्या होती है हमारी ऑप्टिकल अपीयरेंस होती है प्रोड्यूस्ड व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मिरर और रिफ्लेक्टेड थ्रू लेंस इमेज हमें एक ऑप्टिकल अपीयरेंस होती है प्रोड्यूस की जाती है व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट जब किसी ऑब्जेक्ट से हमें लाइट मिल रही है रिफ्लेक्ट होके फ्रॉम ए मिरर और एक रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड लेंस ठीक है तो वो क्या होती है हमारी एक ऑप्टिकल अपीयरेंस होती है क्लियर नेक्स्ट आती है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज अब इमेज भी दो तो टाइप की होती है रियल इमेज कौन सी होती है वर्चुअल इमेज कौन सी होती है द इमेज विच कैन बी ऑप्टेंड ऑन स्क्रीन जो हमें स्क्रीन पे इमेज दिखाई देती है उसको हमने किसका नाम दिया रियल इमेज एग्जाम्पल द इमेज ऑफ एक्टर इन सिनेमा हॉल ऑन स्क्रीन इज रियल इमेज वो उसकी कैसी है रियल इमेज है ठीक है सिनेमा हॉल में स्क्रीन पे जो हम इमेज देखते हैं वो कैसी होती है रियल इमेज वेयर इज द इमेज विच कैन नॉट बी ऑप्टेंड ऑन स्क्रीन जो स्क्रीन पे ऑप्टेंड नहीं होती उसको हमने किसका दिया नाम वर्चुअल इमेज का वर्चुअल इमेज कैन बी सीन ओनली बाय लुकिंग इन टू मिरर सिर्फ हमें मिरर में देखने से हमें वो इमेज दिखाई देती है क्लियर तो ये हमें रियल और वर्चुअल इमेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ऑब्जेक्ट और इमेज क्या होती है तो आज हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन के बारे में उसके वेव थ्योरी के बारे में और angle, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्लियर इसका जो बाकी का पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कोई डाउट और क्यूरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो